ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर में राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के तत्वाधान में संपन्न निःशुल्क कर्क रोग, दंत रोग और शुगर रक्तचाप शिविर में करीब 500 से ज्यादा मरीजों ने उपस्थिति दर्ज कराकर उपचार और परामर्श प्राप्त किया। मोटापा, शुगर के साथ ही कैंसर के बढ़ते मरीज वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण अंचल में बढ़ते मरीजों को देख राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर निःशुल्क रोग निदान शिविरों का आयोजन कर बढ़ते मरीजों की संख्या पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र के विधायक, जन नेता और राज्य के पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार और राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल की सदस्य डॉक्टर पूर्णिमा केदार के प्रयासों से नागपुर जिला ही नहीं समूचे विदर्भ में इस प्रकार के रोग निदान शिविर स्थानिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसका ग्रामीण बढ़ चढ़ कर लाभ ले रहे हैं। 30 मई को ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर में संपन्न इस शिविर में डेंटल कैंसर 168, दंत रोग 83, रक्तचाप 115, शुगर 115, ENT 17, स्तन 23, गर्भाशय 26 और अन्य 28 ऐसे कुल 575 मरीजों की जांच, उपचार और परामर्श दिया गया। राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर इंस्टीट्यूट व ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर तालुका स्वास्थ्य विभाग द्वारा महीने एक दिन यह आयोजन नियमित करने का मानस व्यक्त किया, ताकि ग्रामीणों को बीमारियों के निदान और उपचार हेतु तकलीफों का सामना न करना पड़े, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इस आयोजन की सफलता डॉक्टर अनुराग राहटे, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर वैष्णवी भावरे, डेंटिस्ट डॉक्टर गुमप्रिया घोले, डॉक्टर सविता लिट्रीकर, नेपाल नवघरे, रवि शंभू, नलिनी हॉटवास, सुरेश रावाला, डॉक्टर शैलजा गायकवाड़, सायली जाई, एकता कौल, कोमल वालू के अश्विनी, सोनिया खान, डॉक्टर अनिकेत धोटे, सहायक प्रोफेसर शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय की डेंटल वैन और टीम गोपाल मेशराम आदि के साथ ही ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर की प्रपाठक डॉक्टर मंजूषा ढोबले, दंत चिकित्सक डॉक्टर संदीप गुर्जर, स्त्री रोग और प्रसूति डॉक्टर प्रवीण वाकोड़े, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी वाघ आदि ने परिश्रम लिए। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। ये राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर इंस्टीट्यूट और इंडियन कैंसर सोसाइटी के संयोजन में एक उपक्रम चला रहे हैं। उसके अंदर दांतों का कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर और स्त्रियों के गर्भाशय के कैंसर के बारे में हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जो ये जो कैंसर है, ये फिलहाल भारत में बोलो या पूरे विश्व में बोलिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले कैंसर, मतलब नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ऐसे नंबर पे कैंसर चल रहे हैं। तो इन सबको जितना जल्दी अपन डिटेक्ट कर पाएंगे, उतना जल्दी अपन ट्रीट कर पाएंगे, इसी आधार पर ये कैंप हम चला रहे हैं। मैं डॉक्टर शैलजा गायकवाड़ हूँ। मैं ICS की इंडियन कैंसर सोसाइटी की प्रोग्राम हेड हूँ। इंडियन कैंसर सोसाइटी और RST राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर इंस्टीट्यूट, इन्होंने कोलैबोरेशन करके पूरे विदर्भ में 100 कैंप करने का सोचा है। तो हमने अभी तक 5 कैंप लिए हैं और इसमें हम कैंसर स्क्रीनिंग करने वाले हैं। ये कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और प्रायोरिटी किस चीज़ को देना चाहिए? प्रायोरिटी तो ऐसा है कि आजकल ऐसा हो गया है कि सभी लोग खर्रा, विदर्भ में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है खर्रा, गुटखा खर्रा। मेरे ख्याल से तंबाकू से ज़्यादा जो सुपारी होती है वो सुपारी खाना बंद करना चाहिए, क्योंकि सुपारी से सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के चांसेस होते हैं और बहुत कम एज में ओरल कैंसर आ रहा है। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी महिला जिनको भी स्तन में गांठ है और उनकी अगर उम्र 35 साल के ऊपर है, तो उन्होंने गांठ पता चलते ही उसकी जांच कर लेना चाहिए। और दूसरा है कि अगर किसी भी महिला को 35 साल के ऊपर में अगर महिला है, उनको ब्लीडिंग की तकलीफ़ हो या फिर सफ़ेद पानी की तकलीफ़ हो, उन्होंने त्वरित जाके जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ा गया तो आज इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है कि उसका अपन रोकथाम कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है, पेशेंट 10 साल 15 साल अच्छे से जी सकता है। और अगर जल्दी अगर उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो फिर वो कैंसर इतने जल्दी से बढ़ता है कि फिर आगे कुछ नहीं किया जा सकता।